सपने को हासिल करने के सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा सफल होने के लिए हमारे पास स्मार्ट गोल होने चाहिए। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि वो आसानी से हासिल ना हो बल्कि थोड़ा स्ट्रेच करना पड़े। इसे बोलते हैं ब्रेक थ्रू गोल्स। एक ऐसा बड़ा लक्ष्य जिसको प्राप्त करने के लिए आपको पूरी तरह से बदलना पड़ेगा, और अगर वो लक्ष्य आपने प्राप्त कर लिया तो आप एक अलग इंसान बन जाएंगे और जिंदगी नेक्स्ट लेवल पे खेलेंगे। एक गौर करने वाली बात है कि ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में ढंग का कुछ नहीं कर पाते। वो पता है क्यों नहीं कर पाते? इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उनको उसका रास्ता पता नहीं होता, बल्कि इसलिए कि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसका रास्ता उनको पता होता है। हम छोटे से लक्ष्य को पाकर संतुष्ट हो जाते हैं और आगे कुछ सोचते ही नहीं। लगता है सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसे कहते हैं अपने कंफर्ट जोन में काम करना। ब्रेक थ्रू गोल्स अचीव करने के लिए उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। जब आप किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति पर निकलते हैं तो जरूरी नहीं कि आपने क्या अचीव कर लिया, पर जरूरी यह है कि उस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के दौरान आपने अपने आप को क्या बना लिया। अब आप सामान्य नहीं हैं, आप भीड़ से कुछ अलग बन गए हैं। गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे जरूरी है रिटन गोल्स। हमारे लक्ष्य लिखित रूप से हमारे डायरी में, नोटबुक में होने चाहिए। सुनने में यह बड़ा सिंपल लग सकता है, लेकिन है ये बड़ा इफेक्टिव। यह क्यों जरूरी है इसके बारे में एक स्टडी के बारे में बताता हूं। यह स्टडी लिखी है एक बुक में जिसका नाम है व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल वर्ल्ड के टॉप बिजनेस स्कूल्स में गिना जाता है। 1979 में जब बच्चे पास होकर निकल रहे थे तो उनसे पूछा गया, डू यू हैव रिटन गोल्स एंड एक्शन प्लान फॉर योर लाइफ। क्या आपके पास लिखित में आपके गोल्स और फ्यूचर प्लान्स हैं? तो सिर्फ 3% स्टूडेंट्स ने कहा कि उनके पास रिटन गोल्स और प्लान्स हैं। 13% बच्चों के पास गोल्स तो थे पर रिटन नहीं थे, और बाकी 84% बच्चों के पास ना तो कोई गोल था और ना ही कोई फ्यूचर प्लान था। 10 साल बाद 1989 में उन बच्चों को ट्रैक किया गया तो पता चला कि वो 3% बच्चे जिनके पास रिटन गोल्स और फ्यूचर प्लान्स थे, उनकी इनकम ऑन एन एवरेज बाकी जो टोटल 97% बच्चे थे उनकी इनकम से 10 गुना ज़्यादा थी। एक ही कॉलेज था, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, सेम बैच, सेम सिलेबस, बस एक चीज़ ने इतना फर्क ला दिया। जी हाँ दोस्तों, रिटन गोल्स, लक्ष्य को लिखित में रखना। हमें प्राथमिकता के हिसाब से अपने लक्ष्य को लिखना होगा, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक विचार लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो, बाकी सब विचारों को किनारे कर दो। यही सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, जिसके बारे में ज़्यादातर वक्त आप सोचते हैं वही बन जाते हैं। किसी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए कोई भी उम्र, कोई भी परिस्थिति सही है। ये सोचना गलत है कि मेरी उम्र हो गई, जिंदगी तो किसी तरीके से कट ही जाएगी, या मेरी परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि मैं कुछ नया सोच सकूं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आ रहे हैं, असल फर्क तो इससे पड़ता है कि आप जा कहां रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने देखा कि ब्रेक थ्रू गोल्स और रिटन गोल्स क्या होते हैं और उनके फायदे क्या हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इन रिटन गोल्स को पाने का रास्ता क्या है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके सुझावों का मैं हमेशा सम्मान करूंगा। आगे के सभी इंस्पिरेशनल वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद।